हेलो एवरीवन, तो आज हम खेलने वाले हैं रिबॉर्न एडवेंचर। और ये गेम प्ले के अंदर कुछ ऐसा है कि एक फैमिली है, जो फैमिली मतलब देख ही सकते हैं बचकर भाग रही है, एस्केप हो रही है इनेमिस से। तो ये है मेन लीडर इनेमिस का, जो दुश्मनों का मेन लीडर है वो ये है। और गेम हो रही है लोडिंग, और यहाँ पर यार बताया हुआ है हियर वी है यार, क्या पता यार, मतलब स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है गेम की। तो यहाँ पर से ये लोगों को मतलब किसी भी तरीके से भागने के लिए करना होगा स्टार्ट इस ट्रेन को। तो भाई ट्रेन स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने मतलब इस कैरेक्टर का जो इसके अंदर डैड बताया हुआ है, इसे बोल दिया है, मैंने कह दिया है कि मैं हेल्प करूँगा अपने डैड की। तो अब यहाँ पर ये जो कैरेक्टर दिख रहा है, ये अपने डैड की हेल्प कर रहा है। ट्रेन को कर दिया है स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करने वाला जो जगह थी इसको हमने स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन यार यहाँ पर जो लाइट हो रही है यार, ये लाइट किसी और को मतलब बता देगी कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो यार मैं वहाँ तक कुछ और चूज़ कर रहा हूँ, कुछ और देखने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर की हेल्प चाहिए होगी, और स्क्रू ड्राइवर से मैं इसे ओपन कर दूँगा। तो फर्स्ट मैं स्क्रू ड्राइवर को सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इसे ओपन करता हूँ। और ये तो यार मतलब हो जा फटाफट हो जा। तो यार एक तो हमने स्क्रू ओपन कर लिया है, अब दूसरा स्क्रू ओपन करने की बारी है। दूसरा भी ओपन हो चुका है, तीसरा और चौथा हम ओपन करने के बाद हम देखते हैं यार कि इसके अंदर क्या है। तो यार ये तो मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर लिखा है आई एम अफ्रेड व्हाट इनसाइड। तो यार यहाँ पर क्या है अंदर, इससे ये डर रहा है। तो भाई मतलब यहाँ पर हमें किसी की लाश मिली हुई है, कोई मरा हुआ है यहाँ पर। और इसका आईडी कार्ड इसके पास होना चाहिए, आई थिंक होना चाहिए, पेपर्स, हाँ सम पेपर्स विथ हिम। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं यार, तो ये कुछ लिखा हुआ है सप्लाई स्पेशलिस्ट था यार, ये कोई सप्लाई स्पेशलिस्ट तो था। एंड्रे नाम है यार इसका, और देखते हैं यार क्या क्या चीज़ें हमारे यहाँ से मिल पाती है वैसे। तो भाई मुझे अब यहाँ पर से कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसके बाद अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये यहाँ पर यार कुछ मैसेज लिखने का कुछ बता रहा है, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रही है यार कि इसका इस्तेमाल मैं किस तरीके से करूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, क्योंकि यार पहला ही गेम प्ले है भाई हमारा ये। तो हम देखते हैं, हम बैक जाकर देखेंगे यार कि इसके बाद हमें क्या करना होगा। तो थोड़ा वेट करते हैं। वैसे तो यहाँ पर कुछ मैसेज आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, देखते पहले। तो मैं यहाँ पर यार टेप चाहिए यार, आई थिंक मुझे टेप लेने के लिए बता रहा है यार। तो मतलब ये जो मैसेज है, ये मैसेज हम किसी को दे नहीं सकते, ये मैसेजेस हमारे लिए ही होते हैं। मतलब यूँ समझ लीजिए आपके गेम के अंदर हिंट देने के जैसा है यहाँ पर के मैसेजेस हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यार मुझे ये लेकर सबसे पहले फ़िक्स करना होगा, क्योंकि यार यहाँ पर डैमेज है। और चलिए भाई ये भी मैंने फ़िक्स कर लिया, और भाई बोल रहा है कि इसके डेट को इस पर प्राउड महसूस होगा। तो भाई इतने से काम में कुछ प्राउड तो महसूस नहीं होता, लेकिन यार यहाँ पर क्या है। ओ शिट यार, मैं मतलब अभी तक ट्रेन में हूँ, और यहाँ पर मॉम डैड के पास आ चुके हैं इनेमिस। तो भाई ये क्या हो क्या रहा है भाई, मतलब इनेमिस आए हैं, कौन है भाई। तो भाई अभी हाल तो मुझे तो यार यहाँ से निकलना होगा फटाफट। तो यार मैं कहाँ पर जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो होगा यार यहाँ पर। तो यहाँ पर एक यार वुमेन है, ओल्ड वुमेन है यहाँ पर। भाई एंडी के बारे में बात कर रही है, जो अंदर अभी यार लास्ट मिली थी उसका शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रही है भाई ये। तो मतलब कोई पहचान वाली इंसान है उसकी। तो आईडी कार्ड बताने को कह रही है कि हमें इसका आईडी कार्ड इसको बताना होगा। तो यार चलिए हम बता देते हैं आईडी कार्ड, लेकिन यार ये आईडी कार्ड एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही यार, कुछ समझ में नहीं आ रही है यार मुझे। क्या करना चाहिए यार मुझे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए इसके अंदर, और क्या हो सकता है। हाँ चलिए देखते हैं भाई अब और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन यार नहीं, मैसेजेस हट गया यार मुझसे। तो यार यहाँ पर और भी कोई आइडिया होगा, मैं वापस आकर देखता हूँ यार। वो जो वुमेन है यार, उस पर मुझे लगता नहीं यार मुझे ट्रस्ट करना चाहिए, इसीलिए मैं यार यहीं पर रुकना पसंद करूँगा। यहीं पर से कुछ मुझे हिंट मिल जाए, कोई आइडिया मिल जाए यार कि मुझे आगे मतलब कौन से तरीके का स्टेप लेना है। तो यार कुछ स्टेप लेने से पहले मुझे ज़रा सोचना समझना पड़ेगा।
तो यार मैं वापस से बाहर आ चुका हूँ। मुझे लगता है कि यार वो जो ओल्ड वुमेन है उससे मुझे कुछ बात करके देखना चाहिए, क्योंकि यार वो तो डेड बॉडी है यार, डेड बॉडी से क्या बात करूँगा मैं। तो यहाँ पर तो भाई कुछ समझ में नहीं आ रही है, वैसे कुछ खास तो आइडिया नहीं मिल पा रहा है। मैं फिर से यार अंदर चला गया, क्या करूँ यार, मैं कुछ आइडिया मिल जाए यार, कुछ हिंट मिल जाए। तो भाइयों आज मैं गिस गेम प्ले को यहीं पर स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं।